नमस्कार, मैं सौरभपन, सहायक अध्यापक एलडी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यम, ब्लॉक लमगड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग वेक्टर्स में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स को पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे और कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं कॉम्पिटिशन लेवल पे, ये सभी को सीखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था, अब हम लोग वेक्टर्स में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसका टॉपिक है, जो कहीं ना कहीं इसका और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज होकर कई सारे आगे प्रॉपर्टीज और कई सारे IIT और या आगे कोई इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसमें इसका यूज होता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। जैसा कि सिंपल कहें, ये डिफाइन कुछ इस तरह से होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस तरह का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप इसको जैसे लेना चाहें वैसे ले लें। अब हम इसको देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा टीडियस होता है निकालना, आइए उसको जानते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम शुरुआत करते हैं यहीं से कि हमें निकालना है सपोज फॉर्मूला ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। तो पहले ही जानते हैं कि ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा क्या। देखो, बी क्रॉस सी अपने आप में एक वेक्टर होगा, बी क्रॉस सी का रिजल्टेंट एक वेक्टर होगा। उस रिजल्टेंट का जब ए के साथ क्रॉस होगा तो वो भी क्या देगा, आपको एक रिजल्टेंट देगा। स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता था, जो रिजल्टेंट होता था वो एक स्केलर क्वांटिटी आती थी, यहां पर जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो लेट अस ये अज्यूम कर लिया कि इसका जो रिजल्टेंट है मान लिया वो पी वेक्टर हो गया। अब हम जरा इस पी वेक्टर को देखते हैं कि पी वेक्टर कैसा होगा। तो समझते हैं इसको, आप चाहे तो फिंगर रूल से भी समझिए या यहां से समझ लीजिए। तो मान लिया ये बी है, ये सी है और ये ए है। अब एक चीज तो समझने में आती है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हो ए क्रॉस बी और इसका रिजल्टेंट मान लिया कोई वेक्टर आर हो, तो एक सिंपल सी कंसेप्ट हमें पता है कि आर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और आर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। आर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी। सेम प्रोसेस यहां लगेगी, बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड पी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। तो दो चीजें बच्चों क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं, पी जो है वो बी क्रॉस सी। अब फिर दो कॉन्सेप्ट आई कि पी बी क्रॉस सी के रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पी जो होगा वो, अब इस पूरी प्रॉपर्टी से अगर हम देखें तो पी क्या हो जाएगा, बी और सी का को प्लेनर वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि वो, अब कंडीशन क्या है, उसने ए के भी परपेंडिकुलर है, ये दो कंडीशन साथ साथ चलेंगे। अगर हम सिंपल इस कंसेप्ट को देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या बनता है कि P इज परपेंडिकुलर टू B एंड P इज परपेंडिकुलर टू C, लेकिन ये दो अलग नहीं है, ये साथ में क्या है कि P A के भी परपेंडिकुलर है। यानी कि P अगर इसके परपेंडिकुलर तो होता तब तो ठीक था, लेकिन वो इसके रिजल्टेंट के भी परपेंडिकुलर है। तो इसकी मीनिंग ये हुई कि P इज कोप्लेनर टू B एंड C, मीनिंग P जो होगा वो क्या होगा, जो B क्रॉस C है या B और C वेक्टर के, सीधे सीधे अगर हम कहें कि P इज कोप्लेनर टू B एंड C। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी कि P वेक्टर B और C के क्या हो गया, P कोप्लेनर हो गया। अब जब P B और C के कोप्लेनर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, P वेक्टर को B और C के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमने कोप्लेनर वेक्टर्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो हम क्या लिख सकते हैं कि P इज सम लैम्डा B प्लस सम, यानी कि सम में म्यू लिख दिया, जैसे सम में हमने लैम्डा लिखा, तो ये बन गया P का B और C के रूप में एक लीनियर कॉम्बिनेशन। यानी कि हम उसको उन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब दो कंडीशन साथ साथ चल रही थी, P इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C
एंड P इज परपेंडिकुलर टू A। तो अब मैं इसका अगर A के साथ डॉट करूं तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए जीरो के इक्वल, क्योंकि वो क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। तो अब ये क्या बनेगा, A डॉट लैम्डा B प्लस A डॉट म्यू C इज इक्वल टू जीरो, या हम कहें लैम्डा A डॉट B प्लस म्यू A डॉट C इज इक्वल टू जीरो। और आगे चलें तो क्या रिजल्टेंट बनता है, लैम्डा A डॉट B इज इक्वल टू माइनस म्यू A डॉट C। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनता है लैम्डा अपॉन वेक्टर A डॉट C इज इक्वल टू म्यू अपॉन माइनस A डॉट B, और हमने मान लिया कि लेट अस दिस इक्वल टू कोई सपोज यहां पर हम इसको गामा मान लेते हैं, ठीक हो गया। तो इसकी मीनिंग क्या आई कि हम लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, गामा ए डॉट सी म्यू इज इक्वल टू ऑल्सो गामा माइनस ए डॉट बी। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इस पी की जगह पर, तो जो हमारा पी है वो क्या आ जाएगा, वो पी कुछ इस प्रकार का बनेगा कि पी जो था वो था लैम्डा बी प्लस म्यू सी, तो लैम्डा की जगह पर आ गया गामा, बी की जगह पर बी रहेगा, और ये आ गया ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस गामा ए डॉट बी वेक्टर सी। देखिए इसमें आपको कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझते हैं। गामा अपने आप एक नंबर होगा, स्केलर क्वांटिटी, वो क्योंकि रेशियो को सॉल्व करने के लिए हमने लिया था। ए डॉट सी एक स्केलर हो गया, स्केलर सिंपल वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये वेक्टर बन गया। गामा फिर वही नंबर, ए डॉट सी एक स्केलर, तो स्केलर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो फिर एक वेक्टर ही मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी वेक्टर है, राइट हैंड साइड भी वेक्टर है, तो यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो लगभग बिल्कुल सही आ रहा है। अब समस्या जो है वो है गामा की वैल्यू निकालने के लिए। तो जो हमने ये रिलेशनशिप्स बनाया है, ये वाला, ये रिलेशनशिप्स किसके लिए बना है, ये ए बी सी तीन वेक्टर के लिए बना है, और ए बी सी की लगभग सारी वैल्यूज के लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा। अब मान लिया कि लेट अस हमने एज्यूम कर लिया हम गामा की वैल्यू निकालनी है, तो ए इज इक्वल टू मैंने मान लिया आई कैप अपनी सुविधा के लिए, बी को मान लेते हैं आई प्लस जे कैप, और सी वेक्टर को मान लिया आई प्लस जे प्लस के कैप। अब हम इससे करेंगे क्या, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग ढंग से सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, पी, पी था अपने आप में ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो अब हम पहले क्या कर लेते हैं, बी क्रॉस सी को सॉल्व कर लेते हैं। तो बी क्रॉस सी बना आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, पहला हो जाएगा आई क्रॉस आई, 90 डिग्री एंगल है, नहीं 0 डिग्री एंगल है, तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। आई क्रॉस जे बनेगा नेक्स्ट, तो आई क्रॉस जे ठीक हो गया। अगला बना आई क्रॉस के कैप, अब आगे देखते हैं जे कैप क्रॉस आई कैप, फिर बनेगा जे क्रॉस जे, डायरेक्ट 0 कर लेते हैं। फिर बना जे कैप क्रॉस के कैप, आई क्रॉस जे तो बन गया के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, अब ये जो मैंने रूल सिखाया था आई जे और ये के, अब आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, और जे क्रॉस के बन गया आई कैप। तो इसमें अगर आप देखें ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बचा आई कैप माइनस जे कैप। अब इसका हमने क्रॉस किससे कर देना है, ए के साथ भी हमने इसका क्रॉस कर देना है, तो ए की वैल्यू क्या थी आई कैप, तो आई कैप क्रॉस दिस वन, तो आई कैप क्रॉस आई कैप माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हो गया, आई कैप क्रॉस जे कैप आई क्रॉस जे बन गया के, तो ये हो गया माइनस के कैप। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू निकाल ली ए क्रॉस बी क्रॉस सी की, वो आ गई माइनस के कैप। अब हम करेंगे क्या, इस राइट हैंड की वैल्यू निकालेंगे सेम वेक्टर्स को रखने के साथ, तो देखते हैं वो वैल्यू क्या आती है। तुम्हारी राइट हैंड साइड है
गामा ए डॉट सी। तो ऐसा करते हैं, पहले ए डॉट सी को सॉल्व कर लेते हैं कि ए डॉट सी और इसके साथ है इंटू पी। ए और सी का जब डॉट होगा तो आई डॉट जी भी जीरो हो जाएगा, आई डॉट के भी जीरो होगा, बचेगा कौन सा, सिर्फ आई डॉट आई बचेगा। आई डॉट आई हो गया वन, तो सीधे उसके साथ बी मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल नंबर की तरह, तो ये आ गया आई कैप प्लस जी कैप। अब हम अगला देखते हैं, वो था ए डॉट बी और इनटू में है वेक्टर सी। तो ए का बी के साथ जब डॉट करेंगे आई डॉट आई वन, आई डॉट जे फिर जीरो, तो ये बच गया वन। और सी की जो वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप या आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें तो अब पी की वैल्यू क्या आती, जैसे यहाँ से पी की वैल्यू क्या आई थी माइनस के कैप, तो ये बनेगा गामा, गामा दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो ए डॉट सी इंटू बी क्या बचा था आई कैप प्लस जे कैप, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे ये माइनस में है तो ये माइनस में आ गया, ऑल दोज नंबर्स आर कैंसिल, तो पी कैप वेक्टर पी बच गया माइनस गामा के कैप। दोनों वैल्यूज को इक्वल कर लेते हैं, तो पी की जब दोनों वैल्यूज को इक्वल करेंगे तो माइनस गामा के कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप या गामा इज इक्वल टू आ गया वन। अब गामा की वैल्यू वन आ गई तो जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है देखिए वो भी सॉल्व हो गया, वो सॉल्व होके क्या बन गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, गामा को वन कर दिया, तो ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो बच्चों ये तो था इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट उसकी डेफिनेशन। अब हम इसके आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं और साथ में इसके साथ ही साथ रेसिप्रोकल वेक्टर्स को भी समझ लेते हैं जो भी ये छोटा सा टॉपिक है। बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आपके लिए एक समस्या छोड़ी थी, एक ये प्रॉपर्टी थी जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में एज ए प्रॉपर्टी भी यूज हो जाती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं ये वाली प्रॉपर्टी। तो जैसा कि हमें पता है रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बनेगा ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसी को आगे लेके चलते हैं ए क्रॉस बी। अब चूंकि हमें ये तो पता चल गया है कि तीन वेक्टर्स चार वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या है, फिर एक अज्यूम कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, लेट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी, तो ये बन जाता है पी क्रॉस सी क्रॉस ई। अब आगे चलते हैं ए क्रॉस बी डॉट, तो ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल जो है पी डॉट ए इंटू सी माइनस पी डॉट सी इंटू ए, इस रूल से हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट चलता है। तो अब ये आगे बनेगा ए क्रॉस बी, अगर हम पी की वैल्यू लेते हैं पी की वैल्यू है बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी डॉट ए और इसके साथ इंटू में है सी, फिर वही चीज पी की वैल्यू है बी क्रॉस सी डॉट सी और इंटू ए वेक्टर, तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी डॉट बी सी ए, जिसको हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी सी जीरो, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल है दो वेक्टर सेम हो जाए तो वो जीरो हो जाता है। अब ये तो एक स्केलर क्वांटिटी, इसको हम बी सी ए को ए बी सी लिख के बाहर लिख देते हैं। अगला बचेगा ए क्रॉस बी डॉट सी, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, तो ये ए बी सी और ये भी क्या आ जाएगा ए बी सी, तो ये आ गया ए बी सी होल स्क्वायर। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी ये थी। अब हम इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी का पार्ट है, जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर्स। तो हम रेसिप्रोकल वेक्टर्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जो कि ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। तो रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या है कि लेट अस सपोज हमारे पास ए बी सी तीन वेक्टर है, तो जैसे हम बात करते हैं कि ए का रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होगा, तो ए का रेसिप्रोकल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए के पैरेलल होगा और उसका मैग्नीट्यूड उस ए वेक्टर का वन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स हो जाएगा। यानी कि रेसिप्रोकल वेक्टर क्या है,
एक ऐसा वेक्टर जो ए के, अगर मैं कहूं इस ए वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर ये है, मान लिया ए इनवर्स वेक्टर, तो ये क्या होगा डायरेक्शन में, तो ये ए वेक्टर की ही डायरेक्शन का होगा। लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बात होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनवर्स जो वेक्टर है ये हो जाएगा 1/mod ऑफ वेक्टर ए, कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टी होगी। अब हमें सिंपल ए के लिए तो निकालना नहीं है, हमें क्या बनाना है ए बी सी तीन वेक्टर के लिए रेसिप्रोकल वेक्टर से की प्रॉपर्टी पता करनी। तो ए का जो रेसिप्रोकल वेक्टर होता है वो हो जाएगा, मान लिया ए डैश ये होता है बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, बी का बी डैश ये हो जाता है सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, इसी तरह से इसका सी डैश होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। तो ये तीन रेसिप्रोकल वेक्टर्स हो गए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लें, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर मैं ए डॉट ए के रेसिप्रोकल को डॉट कर लूं तो ये क्या आएगा, तो ए डॉट ये हो जाएगा बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, तो ये बन गया आपका ए बी सी अपॉन ए बी सी, यानी कि कैंसिल हो गई कितना आ गया 1, तो ए डॉट ए डैश वेक्टर 1 हो गया, ऐसी बी डॉट बी डैश वेक्टर भी 1, सी डॉट सी डैश वेक्टर भी 1, तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। इसी के बाद इसकी एक अगली प्रॉपर्टी हो सकती है, वो अगली प्रॉपर्टी क्या बन सकती है कि अगर हम ए डॉट बी डैश कर दें, अगर ये क्या देता है हमें, तो ए वेक्टर तो ठीक है, अब जो बी डैश वेक्टर है बी डैश वेक्टर बन गया सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, तो ये बन गया ए सी ए। अब ए सी ए की प्रॉपर्टी जैसा कि हमें पता है, दो वेक्टर अगर सेम हो जाएं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना हो जाता है 0, तो ये आ जाएगा 0। इसी क्रम में अगर आप बी वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली सी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 0। तो ये इसके कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज थी। अब इसके अलावा एक जरा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी हम करते हैं और ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी है कि अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर, तो ये क्या बनेगा ए डैश डॉट बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर, तो वेक्टर ए डैश डॉट। अब बात आई बी डैश क्रॉस सी डैश की, इसको जरा हम सॉल्व कर लें, तो ये सॉल्व होके क्या बनेगा कि बी डैश क्रॉस सी डैश, अब बी डैश की वैल्यू हमें पता है सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, सिमिलरली सी डैश की वैल्यू हो जाती है ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी, तो 1/ ए बी सी होल स्क्वायर। यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, चार का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो सिंपलिसिटी के लिए सी क्रॉस ए को मान लेते हैं लेट पी, तो ये बन गया पी क्रॉस ए क्रॉस बी, जैसा कि हमने आज से पहले किया था, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर होल स्क्वायर। फिर बात आई P क्रॉस इसकी, तो ये बन जाएगा P डॉट B इंटू वेक्टर A माइनस P डॉट A इंटू वेक्टर B। अब देखिए P की वैल्यू क्या थी, P की जो वैल्यू है वो है C क्रॉस A डॉट B और इसके साथ इंटू में A माइनस C क्रॉस A डॉट A वेक्टर इंटू में बी वेक्टर। अब आप देखिए ये दोनों सेम है तो सी क्रॉस ए डॉट ए कितना हो जाएगा 0, तो ये पोर्शन तो आपका 0 बन गया, ये बन गया सी ए बी या जिसको हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा फिर ये होल स्क्वायर 1, ये बन गया आपका ए बी सी, तो ए बी सी इंटू वेक्टर ए अपॉन ए बी सी
होल स्क्वायर, तो ये टर्म आपका कैंसिल होकर पावर वन बचती है, तो ये बन गया वेक्टर ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना ए बी सी का। तो ये वैल्यू तो आई बच्चों बी डैश क्रॉस सी डैश की। अब हम इसका ए डैश के साथ डॉट करते हैं, तो जब हम इसका ए डैश के साथ डॉट करेंगे इस वैल्यू का, जो आ चुकी है आपकी वेक्टर ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का, तो ए डैश की वैल्यू थी बी क्रॉस सी, तो डॉट बना ए और इसके डिनोमिनेटर में है ए बी सी, तो ये क्या बन गया बी सी ए, क्या बन गया बी सी ए, तो ए बी सी और एक ए बी सी इसके डिनोमिनेटर में आया तो ये होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए डैश की वैल्यू क्या होती है बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, तो एक ए बी सी यहां से एक ए बी सी इसका, तो ए बी सी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया बी सी ए। बी सी ए को हम क्या लिख देंगे बी क्रॉस सी डॉट ए बना बी सी ए, तो बी सी ए को हम लिख देंगे ए बी सी, तो ये बना ए बी सी अपॉन ए बी सी होल स्क्वायर, तो क्या रिजल्टेंट आ गया ए डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल टू वन अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और रेसिप्रोकल वेक्टर की ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ कि आप इसको यूज करके अपने कुछ टीडीएस से प्रॉपर्टीज को सॉल्व और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।